देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हमारे बीच हैं थानेश्वर दयाल आदि गौड़ जी, जो कि श्रमिक बोर्ड के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और असंगठित क्षेत्र में निर्माण मजदूरों के बीच में कार्य करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा और उनके कार्यशैली को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया विशेषकर मजदूरों की स्थिति परिस्थिति के ऊपर जानकारी देने के लिए। दो तरह के क्षेत्र हैं जिस पर काम करने वाले लोग कार्यरत हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जो कि सेंट्रलाइज हैं, जो जिन्हें हम सरकारी अर्ध सरकारी के रूप में कहते हैं, और दूसरा गैर सरकारी संस्थान जहां पर असंगठित रूप से छोटे छोटे यूनिट के अंदर में लोग काम करते हैं। मैं उससे पहले थोड़ा सा जो असंगठित क्षेत्र के जो हमारे मजदूर हैं उनका जो योगदान है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लूं। देखिए, हमारे देश में 97% जो है मजदूर जो आते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। बाकी सब संगठित क्षेत्र में, जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, अर्ध सरकारी नौकरी में हो, या बड़ी लिमिटेड कंपनियों में हो, या फैक्ट्रियों में काम करते हो, या बैंक में, या अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस तरह का काम करने वाले हो, वो केवल एक प्रकार से 3% के करीब अब रह गए हैं, चाहे वो रेलवे के हो। बाकी जो 97% हमारे देश की श्रम शक्ति है वो असंगठित क्षेत्र में आती है। दूसरी बात, इनका जो योगदान है, अगर हमारा जीडीपी के अंदर इनका योगदान देखे जाए तो 65 यानी कि 2/3 जो हिस्सा है हमारे जीडीपी में, उसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का योगदान उसके अंदर होता है। और इसके अलावा अगर आप इनकी उसको देखोगे तो स्कोप को देखोगे या समस्याओं को देखोगे, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात कह सकते हैं, चिंता वाली बात कर सकते हैं, कि आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी श्रम कानून बने हैं चाहे योजनाएं बनी हैं, वो ज़्यादातर संगठित क्षेत्र के लिए ही मजदूरों के लिए आज तक बनी है। चाहे वो प्रोविडेंट फंड का मामला हो, पेंशन की सुविधा हो, मैटरनिटी का हो, चाहे किसी तरह के फैक्ट्री एक्ट हो, जितने भी कानून हैं श्रम कानून, ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र के लिए। असंगठित क्षेत्र के लिए तो बहुत कम नाम मात्र के 3-4 कानून हैं, जो जैसे बीड़ी वर्कर्स के लिए जो कानून है वो उसको कह सकते हैं, निर्माण मजदूरों के लिए कानून है उसको कह सकते हैं। और ये इसके बाद जो अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी बनने के बाद 2007 में ये हुआ कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट एक अलग से लाया जाएगा 2008 में, लेकिन 2008 के बाद से भी वो भी कानून अभी ऐसा कैसा ही है, उस पर ना तो कुछ प्रोग्रेस हुई है ना कोई नियम बने हैं। और अब अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो जो कानून बने भी हैं असंगठित क्षेत्र के लिए 3-4 कानून, उनको भी सरकार अब इन 4 लेबर कोड जो नए लेबर कोड आ रहे हैं उनके अंदर ये 30-40 कानून जो है इन सबको समाहित करके समाप्त करके 4 कोड के अंदर उनको बांध रहे हैं। तो इस कोड लेबर कोड आने से जो वर्तमान में भी कानून थे जिनसे कुछ सुविधाएं मिल रही थी, भविष्य में वो भी सुविधाएं अब छीनने जा रही हैं, जिसके कारण बहुत सारे श्रमिक संगठन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो हैं इन कानूनों का विरोध कर रही हैं, जो लेबर कार्ड कोड जो आ रहे हैं। जो पहले कानून बने थे उसका अनुपालन तो अभी तक नहीं हुआ, मूर्त रूप नहीं आया, जमीनी स्तर पर लोगों को इसका लाभ नहीं मिला, लेकिन अब नए कानून के तहत उन सभी कानूनों को, सभी नियमों को जो बनाए गए थे मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, वो भी अब खत्म होने के कगार पर है। श्रमिक कार्ड की बात की गई है, श्रमिक कार्ड का महत्व क्या है और कैसे उसको बना लेते हैं और कितने समय के लिए लागू होता है? जो बोर्ड के द्वारा ये जो जिसको आम भाषा में लेबर कार्ड बोलते हैं, असल में वो पंजीकरण का सदस्यता, बोर्ड का सदस्यता वो होता है, परिचय पत्र होता है, जिसको पासबुक बोलो बोर्ड का या सदस्यता पत्र बोलो, या आम भाषा में इसको मजदूर लोग लेबर कार्ड बोलते हैं। ये लेबर कार्ड का ये है कि बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक फार्म भरना पड़ता है जिसमें उनको अपनी सारी जानकारी देनी पड़ती है, अपने परिवार की, अपने घर की, इवन जहाँ पीछे स्थायी पता गाँव का देहात का वो भी, कहाँ काम कर रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उसका नाम पता ठेका, अपने बच्चों की फैमिली। ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन की फीस 20 रुपये वार्षिक कंट्रीब्यूशन होता है जो बोर्ड में जाता है, और 5 रुपये उनका शुरू में रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और हर साल उसको ये अपना रिन्यूअल कराना होता है, क्योंकि एक एक साल का कार्ड बनता है, और ये जब तक कराना है जब तक कि उसकी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती, क्योंकि 60 साल के बाद उसको फिर पेंशन मिलना शुरू होती है बोर्ड की तरफ से। बोर्ड की जो योजना है उसमें एक पेंशन की योजना है, और
लगभग 18 योजनाओं में अगर आपकी से को मैं बताना चाहूँ तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो हर स्टेट ने अपने हिसाब से बना रखी हैं। तो दिल्ली की जो योजना है वो बाकी अगर हम देश के और राज्यों से तुलना करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या किसी भी राज्य से, तो सबसे बेहतर है। यहाँ पर अगर आप देखो शिक्षा के लिए है तो पहली से आठवीं तक जो बच्चा पढ़ता है उसको 500 रुपये महीना मिलते हैं, यानी कि लगभग 6000 रुपये मिलते हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।